ऐसो पंचण ओकारो सब पाव प्रणासनो मंगलाणं च सर्वेषि प्रणमं हवै मंगलम् प्रणमं हवै मंगलम्। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाशमन जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की क्लास प्रारंभ करने जा रहे हैं। त्रिपदी वंदना वंदे अरहं वंदे गुरु वंदे सच्चम सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र सुप्रभात गुड मॉर्निंग। आज का हमारा विषय है योगाभ्यास। योगाभ्यास हर उम्र में हमें योगाभ्यास की आवश्यकता रहती है।
बचपन हो, जवानी हो, बुढ़ापा हो, किसी भी उम्र में ऐसा नहीं है जब हम योगाभ्यास की हमारे जरूरत हमें नहीं पड़ती है। और योगाभ्यास एक ऐसा क्रम है जो हमेशा हमें नियमित चालू रखना चाहिए। जितना भी समय हमें मिले है सुबह सुबह उठकर योगाभ्यास, तो योगाभ्यास क्या है ये तो हमें परसों क्लास हुई थी, हमने अच्छे से चर्चा भी की थी। योगाभ्यास केवल आसन ही नहीं होता है, आसन, प्राणायाम, योगिक क्रियाएं, ध्यान, सारे ये योग के ही अंग बताए गए। तो आज हमें इसी दिशा में और अच्छा मार्गदर्शन देने के लिए हमारे साथ मुंबई से डॉक्टर निरंजना जी सालगिया, हमारी जानी पहचानी ट्रेनर निरंजना जी, डॉक्टर निरंजना जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। तो मैं आज का सेशन प्रारंभ करने के लिए निरंजना जी आपसे निवेदन करता हूँ, आप आज का आगे का कार्यक्रम संचालन करें। ओम आराम। ओम आराम। जय सभी को सादर, जय जय, जय जय। आज की सुप्रभात, नव प्रभात, सूर्य की पहली किरणों के साथ में उगते हुए सूर्य के अरुण रंग के किरणों के परमाणु से हम सभी चराचर जीव जीव को रंजित करते हुए हमें उस अरुण रंग से ऊर्जा, उष्मा, शक्ति, उत्साह, उत्साहित, आनंद, स्फूर्ति और स्पूर्णा प्रस्फुरित होती है। हम उस सूर्य इंद्र की, सूर्य देव को बारंबार नमस्कार करते हुए हम सभी का, आज की सुप्रभात, नव प्रभात सुवर्णमय हो, आनंदमय हो, उत्साहमय हो, ऊर्जामय हो, शक्तिमय हो, स्पूर्णामय हो, और हमारे जीवन के लक्ष्य और हमारे जीवन का जो हमें गतिविधियां हैं वो अच्छी तरह से संपूर्ण हुए, पूर्ण हुए, ऐसी शुभकामना करते हुए अब सबको नई प्रभात का डॉक्टर निरंजना सालगिया से अभिनंदन, अभिनंदन, अभिनंदन। मैं आज मेरे साथ जुड़े हुए सभी साधर्मिक योग साधक को अभिनंदन करती हूँ। भाई साहब ने कहा कि योग जीवन में कितना उपयोगी है। अगर हम योग यानी मन, वचन, काया, इन तीनों का समागम होना, इन तीनों को साथ में रहकर जीवन के प्रत्येक क्षण की गतिविधियों के ऊपर हम सहज रहे, सतर्क रहे, संयम में रहे, इसी का नाम है योग। स्वाभाविक तौर पर योग अने लोगों के मन में यही है कि हम जो हाथ पैर हिलाते हैं, कुछ आसन करते हैं, कुछ श्वास की प्रक्रिया करते हैं या प्राणायाम करते हैं, यही योग है। परंतु इतना ही नहीं, हम शारीरिक गति के साथ में भी मानसिक, बौद्धिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक एवं आत्मिक तत्वों का भी संयोजन करना बहुत आवश्यक है और उसी के साथ में उसी को योगा कहते। अगर खाली मैंने कहा हाथ ऊपर करो, नीचे करो, और आप सिर्फ सुनते जा रहे, कर्ण इंद्रिय का विषय बनाते हैं और सुनते खाली हाथ पैर ऊपर करते, लेकिन उसके अंदर हमारा मन नहीं रचा पचा हुआ है, हमारा विवेक उसके अंदर नहीं है। तो जितना हमें लाभ होना चाहिए उतना लाभ हम ले नहीं पाते। तो जब भी कोई भी आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, या शरीर के किसी भी अंग का हम हलन चलन करते हैं, किसी भी आसन में बैठते हैं, किसी भी आसन का आधार लेते हैं, तो उसमें थोड़ी देर अपने मन को संतुलित करना है, उसका अनुभव करना है कि मुझे, मैंने ये आसन किया है या एक प्रक्रिया की है, तो मुझे मेरे शरीर में, मेरे मन में, मेरे चित्त में, मेरे बुद्धि में
किस तरह से लाभदायी होगा उसका उपयोग है। तो चलो आज हम शुरू करते हैं कि मानसिक संतुलन जागृति और चित्त समाधि, मानसिक संतुलन जागृति और चित्त समाधि निकट आती और दूर जाती आदि व्याधि। हम जब मन वचन और काया से हम योग का उपयोग कर साधना करते हैं तो सारी जो शारीरिक मानसिक भावनात्मक जो आदि व्याधि उपाधि है वो दूर होती है, उसे आने का कोई हमारे पास आने का कोई मार्ग नहीं होता है। समस्या हमारे मन की हो, हमारे भावनाओं की हो, आवेग की हो, आवेश की हो, क्रोध की हो, जो हमारे पास में आती है, लेकिन जब हम हमारे प्रति सजग रहते हैं, संयम में रहते हैं, वर्तमान में रहते हैं, वितराग भाव में रहते हैं, तो ये सारी समस्या आवेश की वो दूर होती है। क्रोध होता है वो भी कम होता है। हमारी जो आदतें हैं, कुछ ऐसी आदतें हैं कि जो हमने पाल रखी है पालतू, तो उसको भी हम इसी प्रक्रिया से दूर कर सकते हैं। इसीलिए हमारे जीवन में योग साधना बहुत ही उपकारी है, लाभदायी है। तो चलो बहुत कुछ बातें ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग ऐसे कहते हैं, जैसे अभी आज मैं हमेशा मेरा बहुत से ग्रुप में लोगों को डालती हूँ कि भाई आज मेरा सेशन है, जो भी मुझसे सीखना चाहते हैं आप। अधिकतर सभी लोगों का यही आंसर आता है, निरंजना या मैडम इट्स टू अर्ली 6:30। अभी टू अर्ली 6:30 करके वो लेटे रहेंगे 8 बजे, 9 बजे, 7, 10 बजे, जितने बजे वो उठेंगे, तो पूरा जो दिन का जो अच्छा समय है, जो शुद्ध वातावरण, जो शुद्ध पर्यावरण का जो हमें उपयोग करना चाहिए वो हम ले नहीं पाते हैं। इसकी बजाय थोड़ा रात को जल्दी सोने की आदत डालें और थोड़ा सुबह जल्दी उठे। नहीं भी उठ पाते हैं तो दोपहर का या शाम का कोई भी समय हम अपने अपने खुद के शरीर के लिए, खुद के मन के लिए, खुद के चित्त के लिए, खुद की बुद्धि के लिए, खुद की भावनाओं को विकसित करने के लिए हम उसका उपयोग करें। जैसे भी कल की ही बात है, कल मैं रात को घर पे 1 बजे से मुझे डर था कि मैं उठ नहीं पाऊंगी, पर एनीवे उठी भी सही और आज मैं आपके सामने रेडी हुई। तो अपने मन में एक दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि मुझे करना ही है, करना ही करना। तो चलो सबसे पहले जो उठने में आलस आता है, मैं अभी लेट के नहीं बताती हूँ आपको, आप जिसको लेट ना हो वो लेट जाए। मान लो सुबह उठे, आपका अलार्म बजा, अलार्म बज बंद कर दिया। अब बंद करने के बाद फिर जो चद्दर निकल गई थी वो चद्दर को पूरा सिर पे लेके मुंह ऊंधा करके सो जाते, तो ये सबसे उस आदत को छोड़ना है। तो क्या करना है, वो चद्दर उसको वही रहने देना है, अलार्म बंद किया, ना होते हुए अगर उठ नहीं पाते तो अपने स्थान पे ही लेटे हुए हाथ पे अपने सुप्त ताड़ासन करिए करिए करिए, खींचो 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 खींचो, जितना हो सके खींचो, और पैरों को सामने की ओर करना है, जैसे मैं अभी बता रही हूँ ऐसे सामने की ओर करना, खींचो 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 खींचो, बहुत खींचो, और धीरे से श्वास छोड़ते हुए वापस आ। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारी मेरुदंड है, हमने कभी उल्टे उल्टे सुलटे मुड़ के सोए हुए होते हैं तो वो हमारी पूरा मेरुदंड सीधा होता है। एक बार फिर से करेंगे, श्वास लेते हुए 1, 2, 3, 4, पैरों को आगे खींचे खींचे, अंगूठा दीवार के खींचे, हाथों को ऊपर बिल्कुल पोनिया सीधी, पेट को अंदर दबाए 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 दबाए, यस, और धीरे से श्वास छोड़ते हुए ऐसे करते 2-3 बार प्रक्रिया हमें ये ताड़ासन की करनी। अब ताड़ासन हो गया, फिर दोनों हाथ साइड पे लिए, एक मिनट में सॉरी, अब दोनों हाथ हम साइड पे करते हैं, लेटे हुए हैं, हाथ हमारे साइड पर है, ठीक है। तो अब उसको क्या करना है, एक पैर को ऊपर उठाया फिर नीचे किया, दूसरे पैर को उठाया नीचे किया, हाथ हमारे बिस्तर पे ही है ऐसे, तो पूरी कोहनिया
सीधी रहेगी, पैर ऊपर, यस, और नीचे। जो लोग सोए हुए नहीं है बैठ के भी मेरी तरह कर सकते हैं, पैर ऊपर, पूरा घुटना सीधा एंड डाउन। एक बार फिर से करेंगे, वन, यस, पूरा खींचो अंगूठा, डाउन, अप एंड डाउन, इस तरह से हुआ। अब क्या करना है, थोड़ी सी आंखें फिर बंद होने लगती है, तो फिर से दोनों हाथ या तो साइड में या और पैरों को अंदर बांधो, वन टू थ्री फोर फाइव, और दूसरा पैर, वन टू थ्री फोर फाइव, ये हो, मैं दिख रही हूँ, ओके। तो ये हुआ, हमने पैरों को ऊपर उठाया, ताड़ासन किया और पैरों को अंदर। अब क्या करना है कि दोनों हाथ साइड पर है, एक पैर को मोड़ा और उसको ट्विस्ट करें, वन टू थ्री। अब इसमें जिनको थोड़ी घुटने की तकलीफ है उन्हें ध्यान देना है, बाकी सभी लोग कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि आपकी जो रात को लेटे हुए जिसको कमर की तकलीफ है, कमर में दर्द होता है, लोअर बैक पेन है, जिसके हिप्स बहुत बड़े हैं, पेट भरा हुआ है, तो उसके लिए ये जो पूरा ट्विस्ट किया, मेरा पैर जा रहा है, लेफ्ट घुटना जा रहा है राइट साइड की ओर, और मेरा चेहरा लेफ्ट कंधे के ऊपर। तो इससे क्या होगा, पूरा पेट अंदर दबता है। किसी को कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ होती है, कमर का दर्द है, उसके लिए पेट की जितने अंग उपांग है उसके अंदर किसी प्रकार की आधी व्याधि उपाधि है, किसी प्रकार स्त्रावों का अनियंत्रण है, यस, ये सभी लोग कर सकते हैं। किसको नहीं, कोई भी नहीं करे ऐसा कुछ नहीं। अगर कोई बोले कि मुझे घुटने की तकलीफ है फिर मैं क्या करूं, मैं घुटना, तो कुछ कोई बात नहीं, आप पैर को उठाइए और उसको सीधा राइट साइड और ऐसा, यस, दोनों घुटने सीधे, यस, वन टू, दूसरा पैर ऊपर लेफ्ट। तो ये तो बहुत सरल है, कोई भी कर सकता है, छोटा बड़ा जवान वृद्ध सभी लोग कर सकते। तो इससे क्या हो, कमर ये आपकी यहाँ की ऊर्जा जो बैठी हुई है स्थगित हो गई है, तो वो ऊर्जा एक्टिव हो जाएगी, यस, ऐसे। अगर किसी को नहीं हो जाता, वन टू थ्री फोर एंड फाइव, दूसरा पहले उठाया, ये सभी लोग कर सकते, वन टू थ्री फोर फाइव एंड। तो ऐसे प्रत्येक चीजों के तीन तीन बार अगर तीन राउंड करते हैं तो लगता है कि आधी ऊपर नींद तो सुस्ती उड़ी जाएगी। फिर मान लो जो लोग घुटने मोड़ सकते हैं वो फिर अपने बिस्तर पे थोड़ी साइकिल चला दे, वन टू थ्री, हाथ से भी कर सकते, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। अब उल्टा करेंगे, वन टू थ्री फोर, जिसको घुटनों की तकलीफ है कम से कम हाथ की साइकिल तो बिस्तर पर लेटे लेटे भी कर सकते। इतना करते हुए लगता है कि पूरी सुस्ती कम हो जाती है और नींद भी उड़ जाती है और हाथ पैर भी सक्रिय हो जाते। फिर उठे, बिस्तर पे बैठना है, पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की मुख करके अपने जो आराध्य देव है उसको वंदन करते हुए कहना है, हे आराध्य देव, आज की सुप्रभात नव प्रभात अनुभव करने का हमें जो सुअवसर प्राप्त हुआ है, एकेंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौवेंद्रिय, पंचेंद्रिय,
पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय, वनस्पति काय, त्रस काय, संगी असंगी सभी जीवों को स्वास शक्ति, पर्यावरण शक्ति, कॉस्मिक एनर्जी, वैश्विक एनर्जी, जीवत्व शक्ति, चेतना शक्ति, जीव शक्ति, मैं सबकी आभारी हूँ, हम उसके आभारी हैं जिसने मुझे इस नव प्रभात सुप्रभात अनुभव करने का सुअवसर दिया है और मन वचन काय प्रकार अनुमोदना से किसी भी जीव को दुख दिया हो, ऐसा कुछ कार्य किया हो, कहा हो, तो उसके लिए अपनी क्षमा अपना अर्जित करनी है, सब जीवों से क्षमा मांगनी। बस इतना कहते हुए अपने आराध्य देव के स्मरण करते हुए धीरे धीरे वापस अपने हाथों को साइड पे किया और उसको हम कटी चक्रासन के रूप में 1 2 ये सभी लोग कर सकते हैं। इसमें देखो पहले अपन नीचे भाग का किया, अभी ये ऊपर का भाग, कंधे छाती वक्ष स्थल का। तो जहां किसी को स्पॉन्डिलाइटिस है, गर्दन में दर्द है, कंधों में दर्द है, यस, जो लोग दिन भर बैठे बैठे काम करते हैं, जिनका ये हिस्सा ये भाग कम काम करता है, तो उसके लिए ये हुआ। उसके बाद ये सभी को पता है कि हम कंधे की क्रिया करते हैं, 1 दोनों पांचों उंगलियां हमारी कंधे के ऊपर, 1 2 पूरा पीछे जाके आगे से एल्बोस को टच करना है। हाँ, किसी का मोटापा होगा या किसी के आर्म्स बहुत अब भुजाएं बहुत बढ़ गई है, तो उनका शायद ये एल्बोस कोहनियां मिलती नहीं, वरना मिलाने की कोशिश करें। और हम उसको उल्टा करेंगे, 1 2 और ये सब चीजें क्या है, हम टीवी देखते हैं, किसी के साथ बातें करते हैं और कहीं जा भी रहे हैं तो भी हम कर सकते हैं, ये इतना सरल है। अब खाली हम कुछ सोते रहते हैं उसकी बजाय हम कुछ करें, ये हुआ। और वापस अब कंधे को दोनों मुठ्ठियां, यस, आधी बंद आधी मुट्ठी, अपने आसन पे जो बैठे हुए हैं वहां पर उसको कंधे को ऊपर उठाना है, 1 और झटके से 2 फिर से ऊपर, 1 2 1 2 1 2 ये जितना भी मैंने बताया है उसमें कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, कोई भी सावधानी नहीं है, सिर्फ जो घुटने मोड़ने का मैंने कहा वहां थोड़ा ध्यान रखना है। बाकी सभी व्यक्ति, सभी योग साधक, चाहे छोटा हो, बड़ा हो या बड़ी उम्र के हो, अब उसको कंधे को आगे पीछे करेंगे, 1 2 3 4 and 5 उल्टा, 1 2 3 4 5 अब लगता है अभी तक तो पूरी नींद गायब हो जाएगी, तब धीरे से अपने पैर को देखना है कौन सी मेरी श्वास की गति कौन से नागपुरी से, यानी नाक के किस भाग से चल रही है। मान लो कि आपको राइट साइड से चल रही है तो राइट पैर बाहर इस तरह से बाहर रखना है, और लेफ्ट चल रही है तो लेफ्ट पैर, और धीरे से बैठ के अपना प्रभु का नाम स्मरण करते हुए अपने स्थान पर उठना है। अब चलने के पहले थोड़ी सी एक लंबी गहरी श्वास लेना है और धीरे से श्वास छोड़ा, और उसी स्थान पर थोड़े से चलने की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 उसको वापस उल्टा करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 थोड़े से पैरों को उठा के और धीरे से अपने अंगूठे पर आना है और धीरे से, यस,
खड़े रहिए खड़े रहिए खड़े रहिए एंड डाउन। फिर से एक बार अपने अंगूठे पे आना है एडिया ऊपर। यस, हो सके तो अपने स्थान पर ही अपने अंगूठे से आगे पीछे चलने की थोड़ी कोशिश करें। तो जिसको कॉन्स्टिपेशन वगैरह ऐसे आगे पीछे चले, तो जिन लोगों को अंगूठों उंगलियों में दर्द होता है, पैरों में दर्द होता है, तो उन लोगों के लिए ये अब फिर एरिया पे चलना है। अब जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है पेट साफ में, ऐसे उनको आगे पीछे वन एरिया पे यस आगे पीछे चलना है। देखो ये घर में थोड़ी सी छोटी सी जगह हो तो भी हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि उसके लिए बहुत बड़ा हॉल होना चाहिए बहुत सारी जगह। तो ये इस तरह से किए तो अपने लिए जो यहाँ की मसल से बोन से मांसपेशिया है इवन ज्ञान तंतु या नर्व्स एंडिंग से उसके ऊपर प्रेशर मिलेगा। और ये एक्यूप्रेशर पॉइंट भी यहाँ पर हुआ कि जिसको मल विसर्जन की तकलीफ होती है या कॉन्स्टिपेशन से कब्ज है उनके लिए ये बहुत ही अच्छा है। फिर ये करते हुए वापस हम ऊपर वन टू थ्री में थोड़ा कैमरा खड़ा कर देती हूँ। ठीक से दिखेगा आपको। अब दोनों हाथ अपने साइड पर, दोनों पैरों के बीच में थोड़ा अंतर, बिल्कुल कंधे के समांतर और जमीन के समांतर दोनों पैरों के बीच में अंतर। धीरे से घुटनों वन टू थ्री फोर। हाँ अभी इसमें सिर्फ ध्यान रखना है जिसको घुटने की तकलीफ है, घुटने का हाल ही में ऑपरेशन हुआ है उनको थोड़ा ध्यान रखना है। थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, हाथ ऊपर और वन टू थ्री फोर एंड डाउन। अब इसी में कटी चक्रासन करेंगे दोनों पैर के बीच में अंतर, थोड़ा सा अंतर। यस, अपने हिप्स लेवल पे हाथ और राइट हैंड गोज टुवर्ड द लेफ्ट। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, देखो पीछे पीछे पीछे। यस, थोड़ा ट्विस्ट अनुभव करिए। यस, दूर क्या किसी भी दूर कोई ऑब्जेक्ट रखता हो वस्तु उसको देखना है। सेंटर दूसरी साइड देखते अपने दूर के किसी ऑब्जेक्ट को। सेंटर फिर से एक बार। यस, दाढ़ी गर्दन के समांतर सेंटर सेंटर एंड लॉक। चलो यानी इतना तो हुआ। अब हम आगे थोड़ा और अभ्यास बढ़ाते हैं। नींद खुल हो गई हो, आलस्य खत्म हो गया होगा, थोड़ी शरीर में स्फूर्ति भी आ गई होगी, हम थोड़ी सी अपने स्पॉट पर ही दौड़ने की क्रिया करते। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन एंड रिलैक्स। रिलैक्स लेना है तो यानी धीमी लंबी गहरी श्वास लेना है, छोड़े
फिर से श्वास लें, छोड़ें। रिलैक्स। अब पूरा अपने दोनों हाथ की उंगलियां है ऐसे पीछे की ओर फंसाने हैं ऐसे, और पूरा हाथ पीछे की ओर खींचना है, कोहनियां बिल्कुल सीधी। जो लोग दोनों पैर, जिसको चक्कर नहीं है, बीपी नहीं है, वो लोग दोनों पैर साथ में रखें। अगर किसी को चक्कर आ रहे हैं, हार्ट की प्रॉब्लम है, हाल ही में ऑपरेशन पेट का हुआ है, थोड़ा ध्यान रखें। श्वास बढ़ते हुए चेहरा ऊपर, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकना है, झुके 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 झुके, जितना हो सके उतना झुकना है। दोनों हथेलियां ऊपर आकाश की ओर, कोहनियां सीधी, घुटने सीधे, कपाल और नाक घुटनों को स्पर्श करते हुए पूरे पेट के ऊपर दबाओ। भुजाओं में, हथेलियों में, अग्र भुजाओं में खिंचाव, खिंचाव का अनुभव, और श्वास भरते हुए धीरे से ऊपर ऊपर ऊपर। अब मैं अपने साइड से होके बताती हूँ, चले सभी लोग मेरे साथ करेंगे, खड़े हो जाएं। चलो, उंगलियां आपस में फंसाई, यस, कोहनियां बिल्कुल सीधी, दोनों पैर साथ में, श्वास भरते हुए चेहरा ऊपर, श्वास छोड़ते हुए धीरे से आगे आना है। जो लोग प्रेग्नेंट हैं या हाल ही में पेट का ऑपरेशन हुआ है, बहुत हार्ट की तकलीफ है तो इतना नहीं झुकना है, बाकी सभी लोग मेरे हैं उन सब झुक सकते हैं। पूरा नाक कपाल घुटनों को स्पर्श करते हुए खिंचाव अनुभव करिए, पेट पर दबाव अनुभव करिए, और श्वास भरते हुए ऊपर ऊपर ऊपर। तो ऐसे ही ये प्रक्रिया 3 बार करनी है। ये तो पूरा ये मेरुदंड लचीला होता है, पेट दबता है, कॉन्स्टिपेशन कम, कब्ज की बीमारी होती है वो कम होती है, और कॉन्स्टिपेशन जिसको है, कब्ज की बीमारी, पेट बड़ा हुआ है, पेट में गैस होता है, उनके लिए बहुत ही उपयोगी आसन है। तो ये हमने, जैसे कि योग में कहते हैं कि एक तो खींचना, तो हमने ताड़ासन किया, फिर एक आगे झुकना, ये हमने किया, पीछे करते हैं। अब उसको इसी को पीछे 1 2 3 4 पेट फुलाना नहीं है, घुटना सीधा, यानी मैं अगर मान लो भुजंगासन करने के लिए लेटने की जगह नहीं है, तो सुबह सुबह मैं कम से कम दोनों हाथ कमर पर रखकर या इंटरलॉक कर सके, 1 2 3 4 5 श्वास भरते हुए सीधे, फिर से एक बार दोनों हाथ कमर पर, या इंटरलॉक भी कर सकते हैं ऐसे, और 1 2 3 4 5 ऊपर की ओर देखना है, सांस भरते हुए सीधे। और तो ये पीछे झुकने का, आगे झुकने का, हमने साइडवर्ड की ट्विस्टिंग भी, खड़े रहकर भी की, बैठ के भी की। अब होता है साइडवर्ड बेंडिंग, तो इन्हें पूरे शरीर की मांसपेशियों की मालिश हो जाती है, और भीतर के नर्व्स एंडिंग है, ज्ञान तंत्र है, न्यूरॉन से वो सारे सक्रिय हो जाते हैं। इसीलिए पूरे शरीर की मालिश के लिए हम अलग अलग पोजीशन में शरीर की प्रक्रिया को विभिन्न दिशाओं में, विभिन्न प्रकार में ले जाकर पूरे शरीर की मालिश करके उस ऊर्जा को, उस शक्ति का हम चालन करते हैं। अच्छा, अभी हम साइडवर्ड बेंडिंग करेंगे, दोनों पैरों के बीच में थोड़ा अंतर रखें, दोनों हाथ साइड पर,
और धीरे से अपनी नजर बिल्कुल सामने और घड़ी का कांटा 12 से लेके 6 पर आता है वैसे उसको पूरे हाथ को नीचे वाले हाथ को नीचे यस ऊपर वाले हाथ को हाथ अब ऊपर वाले उंगलियों को देखना है घुटना बिल्कुल सीधा 1 2 3 4 5 श्वास बढ़ते हुए ऊपर श्वास छोड़ते हुए दूसरी ओर 1 2 3 4 5 ऊपर की ओर देखना है घुटने सीधे कोहनिया सीधी ये पूरी पसलियां है पूरा पसलियों पे खिंचाव अनुभव करना है इसके लिए जब पसलियों पर खिंचाव आता है तो अपने लंग्स फेफड़ों पे फैलते हैं और जो हम श्वास लेते हैं वो जो हवा पूरे फेफड़ों में भरती है तो इसके कारण क्या होता है हमारी श्वास गति भी सम्यक होती है पूर्ण लंग्स का हम उपयोग कर सकते हैं। फिर से एक बार 1 2 3 4 यस पूरा सीधा यस ऊपर की ओर देखना है यस इतना तो सभी लोग कर सकते हैं यहाँ घुटने का किसी भी प्रकार की बाधा भी नहीं है यस एंड रिलैक्स अब थोड़ा इसी आसन में थोड़ा आगे की ओर बढ़ते हैं तो पूरा हाथ को यस कान पे स्पर्श करते हुए नीचे की ओर और पूरा सामने की ओर देखना है यस बहुत आगे नहीं झुकना है पीछे नहीं झुकना है अब एंड डाउन दूसरी ओर यहाँ पर ऐसे करने से हाथ को पूरा कान से सटा कर पूरी उंगलियों को फैलाना है तो पूरी पसलियां ये छाती का भाग पूरा खींचा अनुभव करता है कुछ लोगों को टायर्स होते हैं पूरे यहाँ की मांसपेशियां फूल जाती है चर्बी लग जाती है तो उसके लिए ये वाला पार्ट यहाँ का भाग सुडोल करने के लिए ये बहुत ही अच्छा आसन है एक बार फिर से करेंगे 1 2 3 4 5 खींचो 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 यस बहुत आगे नहीं झुकना है पीछे नहीं झुकना है ऊपर का हाथ कान से सटाया हुआ नीचे की कोहनियां सीधी दोनों कोहनियां सीधी दोनों घुटने सीधे यस श्वास भरते हुए ऊपर दूसरी ओर ब्रीथ इन अप और जंप मारते हुए स्ट्रेट तो ये हुआ हमने ट्विस्टिंग करी आगे झुके पीछे झुके साइड बेंडिंग की तो इतना हुआ अब धीरे से इसके साथ में हम थोड़ी पेट की चर्बी कम करने के लिए जिसको घुटनों में तकलीफ नहीं है उनके लिए हम कुछ और करते हैं ये भी मैंने पहले बहुत बार करा है मेरी बहुत ही फेवरेट प्रक्रिया है तो अपने दोनों हाथ गर्दन के पीछे कोना सीधी अब पहले राइट कोनी गोज टू राइट नी यानी 1 2 झुकना नहीं है जितना हो सके उतने घुटने को ऊपर लाना है कोहनिया नीचे यस इससे क्या होगा साथर की मांसपेशियां पेट की मांसपेशियां भुजाओं की मांसपेशियां जो डबल हो रही है जहां चर्बी जमा हो रही है जो भाग कम उपयोग में आते वो सारे सक्रिय हो जाएंगे एंड रिलैक्स अब हम उल्टा करेंगे यानी राइट एल्बो गोज टू लेफ्ट नी लेफ्ट एल्बो गोज टू राइट नी चलो शुरू करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6
फाइव फोर थ्री टू वन एंड रिलैक्स। अब धीरे से पैरों को घुटनों के ऊपर क्रॉस करें, हाथ सामने, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर। देखिए ऐसे कोई है जिसको घुटने की तकलीफ है वो ध्यान रखे, उन्हें नहीं करना है, धीरे धीरे आप ब्रेथ आउट डाउन। अब दूसरा पे ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, वन टू थ्री फोर, मेंटेन इट, वन टू थ्री फोर, श्वास बढ़ते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए, ऐसे ये प्रक्रिया तीन चार बार करनी है। जिनको अपना पेट की मांसपेशियां, साथल की मांसपेशियां, यहाँ की कॉन्स्टिपेशन है, उनके लिए ये बहुत ही लाभदायक प्रक्रिया है। तो यंगस्टर्स तो कर सकते हैं जिनकी उम्र बड़ी है, लेकिन घुटने मोड़ सकते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा है। तो फिर से एक बार ब्रीथ इन अप, ब्रीथ आउट, घुटनों को मोड़ा, ये उष्ट्रासन हो गया। धीरे से हाथ को पीछे की ओर ऐसे ले जा रहे हैं, खड़े होके डायरेक्ट उष्ट्रासन में आए। उष्ट्रासन करने से जिसको प्यास पानी नहीं है, उपवास वगैरह करते हैं, तो प्यास कम लगती है, पेट की धरण यानी नाभि खसक जाती है उसके लिए भी उपयोगी है, मेरुदंड लचीला होता है, थायराइड ग्लैंड गर्दन की तकलीफ है उससे भी राहत मिलती है। एक बार फिर से करेंगे हम, सांस भरते हुए हाथ ऊपर टच किया, दूसरा, यस, वन टू थ्री फोर फाइव, ब्रीथ इन अप ब्रीथ आउट। अब इसी को अप किया और धीरे से पीछे से अपने हिप्स को एक जगह बिठा दी और ये हो गया हमारा वज्रासन। हाथ ऊपर की ओर खींचे हुए, श्वास भरे, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर भूमि नमन, या शशांकासन, धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास लेना है। पाश्चात्य समय उसे चाइल्ड पोस्टर बहुत ही आरामदायक ये आसन है, खूब मन को शांति मिलती है। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए। कहते ना किसी को गुस्सा बहुत आता है, आवेग आवेश बहुत होती है। जैसे मैंने कहा कि हम बाहर कुछ देखा नहीं और अंदर सुना नहीं, देखा नहीं, सोचा नहीं, और फट से भीतर से आवेश आता है, क्रोध आता है। तो जब हम शशांकासन करते हैं या भूमि नमन करते हैं तो विनय का भाव जागृत होता है, पूरा मस्तिष्क की ओर जाता है, रक्त संचालन अपने ब्रेन की प्रत्येक कोशिकाओं में, न्यूरोट्रांसमीटर्स में, न्यूरॉन्स में संचालित होता है, पेट दबता है, चेहरे की सारी इंद्रियां, कर्ण, रस, आंखें, नाक, रक्त का प्रभाव पूरे चेहरे और ब्रेन की ओर जाता है। श्वास भरते हुए ऊपर, और जितना रक्त चेहरे की ओर जाएगा तो चेहरे की कांति बढ़ती है, चेहरे की कांति बढ़ी यानी चेहरे के भीतर सुंदरता और तेज निखरता है चेहरे का।
श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे एंड तो शशांकासन, जिसको प्रेगनेंसी हो या हाल ही में पेट का ऑपरेशन किया हो या पेट का हर्निया हो, तो उन्हें थोड़ा ध्यान रखना है, पर फिर भी थोड़ा सा यहाँ तक तो कर सकते हैं। फिर दिन आप एंड ये आगे हम वज्रासन, फिर वज्रासन एक ऐसा ही एक ही एक आसन है फिर जो हम खाना खाने के बाद कर सकते हैं। अब किसी को गैस की प्रॉब्लम है तो वो लोग अपने पहली उंगली और अंगूठा का मूल दबा के अपने घुटने पे ऐसे रख सकते हैं और वज्रासन में बैठना है थोड़ी देर के लिए खाना खाने के बाद में। अब खाना खाने के बाद में लोग तुरंत टीवी देखने बैठ जाते हैं, लेट जाते हैं, पेपर पढ़ते हैं, उसकी वजह हम अगर वज्रासन में वायु मुद्रा में बैठते हैं तो डाइजेशन पावर भी सक्रिय होता है, गैस की शिकायत, एसिडिटी की शिकायत और अम्लता की शिकायत को भी कम। तो ये हुआ हमारा वज्रासन विथ वायु मुद्रा। निरंजना जी, हाँ जी, समय थोड़ा ही बचा है हमारे पास। आजकल टेंशन तनाव हर कोई आज तनाव में जी रहा है, बच्चे हो बुजुर्ग हो चाहे जवान हो, तो तनाव मुक्ति के लिए कुछ प्रयोग अगर आप बता सकती हो, तनाव मुक्ति टेंशन से मुक्त होने के लिए तनाव मुक्ति के लिए कुछ प्रयोग बताइए। चलो करते हैं शुरुआत तनाव मुक्ति के लिए। मैं आ ही रही थी क्योंकि अपने पास समय कम हो रहा है, समय पूरा बढ़ रहा है तो आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ी सी हम तनाव के लिए हम श्वास की प्रक्रिया, जैसे मैंने कहा ताड़ासन तो बोला ही है, वज्रासन भी बोला है कि ये सब आसन जो ऐसे पद्मासन है उससे तनाव तो दूर होता है। अगर पद्मासन में नहीं बैठ सकते हैं तो कोई नहीं, सीधा सुखासन में, अर्ध पद्मासन, सिद्धासन, जिस भी आसन में आप बैठ सकते हैं उस आसन का चुनाव करें। दोनों हथेलियां अपने घुटनों पर रखना है, मेरुदंड बिल्कुल सीधा, चेहरा सीधा, एक धीमी लंबी श्वास लेना है और छोड़े। तीन बार महाप्राण ध्वनि करेंगे, श्वास भरे पुनः श्वास भरे, श्वास छोड़ते हुए महाप्राण ध्वनि भरे, श्वास श्वास छोड़ते हुए महाप्राण ध्वनि शांत अब हम कपालभाति का प्रयोग करेंगे। कपालभाति करने से भी क्या होता है कि पेट की मांसपेशियां और पूरा अपने भीतर का जो मानसिक तनाव है, जो नकारात्मक सोच है, उसको ऐसा सोचे कि हम कपालभाति द्वारा हम अपने नकारात्मक सोच को बाहर निकालते हैं और पूरी नकारात्मक को बाहर निकालते हैं, सकारात्मक एनर्जी अपने आप भीतर आती है। तो श्वास भरे, पूरा श्वास खाली, पेट को ढीला और श्वास छोड़ते हुए पेट भीतर जा रहा है उसका अनुभव करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अब अपने आप करना है। भरे श्वास,
श्वास छोड़ा स्टार्ट कपालभाति स्टॉप इट आंखें बंद रहेगी अपने श्वास के प्रति सजगता श्वास धीमी लंबी गहरी होती जा रही है अनुभव करें श्वास ले रहे हैं पेट आगे की ओर फूल रहा है श्वास छोड़ रहे हैं पेट भीतर की ओर सिकुड़ रहा है अनुभव करें श्वास ले रहे हैं पेट बाहर की ओर खुल रहा है श्वास छोड़ रहे हैं पेट अंदर की ओर घुस रहा है जितनी जितनी श्वास की गहराई में हम उतरेंगे धीरे धीरे सारी सोच विचार कम होती जा रही है थोड़ा और आगे बढ़ने के लिए अपनी सजगता अपने नासाग्र के पास ले आए प्रत्येक आती हुई श्वास का स्पर्श नाक के भीतर नासाग्र के ऊपर अनुभव करें और श्वास छोड़ते हुए भीतर से गर्म हवा बाहर आ रही है और ऊपर के नाक को स्पर्श करते हुए होठों के ऊपर के भाग को स्पर्श करते हुए बाहर जा रही है यानी हवा का स्पर्श श्वास लेते हैं ठंडी शुद्ध कॉस्मिक एनर्जी भीतर प्रवेश कर रही है और आंतरिक शक्ति के साथ संयोजित होकर पूरे शरीर मन चित्त में प्रवाहित हो रही है और श्वास छोड़ रहे हैं भीतर की गर्म अशुद्धि हवा अशुद्धि विचार अशुद्ध दोष बाहर की ओर जा रहे इसी प्रक्रिया को थोड़े समय तक शुरू रखें ब्रीद इन शुद्ध ठंडी हवा कॉस्मिक एनर्जी के साथ जैविक शक्ति के साथ चेतना शक्ति के साथ भीतर की ओर प्रवेश हो रही है आंतरिक शक्ति के साथ संयोजित होकर नई शक्ति नई ऊर्जा शरीर मन चित्त में प्रवाहित हो रही है और सब श्वास छोड़ते हैं व्हेन यू ब्रीथ आउट सारी अशुद्धियां सारे तनाव सारे आवेग आवेश बाहर जा रहे हैं पूरी गहराई से एकाग्रता से ये सभी लोग कर सकते हैं छोटे बड़े बड़ी उम्र वाले छोटी उम्र वाले घुटनों की तकलीफ वाले पेट की तकलीफ वाले प्रेगनेंसी के लिए हार्ट की तकलीफ के लिए जिनको नींद नहीं आती है
यस, लगता है कि पूरा मन शांत हो गया है, पूरा शरीर शिथिल, श्वास मन शरीर मन चित संतुलित हो रहा है, मन चित संतुलित हो रहा है, अनंत सुख अनंत आनंद का अनुभव हो रहा है, अपार शांति का अनुभव हो रहा है, मुझे अनंत शांति अनंत सुख अनंत आनंद का अनुभव हो रहा है, जहां अनंत सुख है, अनंत शांति है, अनंत आनंद है, वहां पर मेरे भीतर अनंत शक्ति का भी अनुभव हो रहा है। जब अनंत शक्ति का अनुभव होता है तब इम्यूनिटी पावर रेजिस्टेंस पावर विकसित होता है। अनुभव करें मेरे भीतर रेजिस्टेंस पावर इम्यूनिटी पावर बढ़ रहा है। मेरे भीतर इम्यूनिटी पावर रेजिस्टेंस पावर विकसित हो रहा है। सारे संकल्प विकल्प दूर हुए, मैं सहज हूं, शांति में हूं, वितराग भाव में हूं। जब वितराग भाव आते हैं तो सारी कसाएं सारा तनाव अपने आप दूर होता है और भीतर भावों की शुद्धि होती है। जब भावों की शुद्धि होती है, कसाई मंद होती है, तो अपने आप ब्लड शुगर लेवल यानी डायबिटीज हाई ब्लड प्रेशर यानी उच्च रक्तचाप धीरे 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 सामान्य गति पर
आ जाता है। आप खुद भी हमेशा नित्य इसी तरह से प्रयोग करते रहेंगे और अब जिसको ब्लड प्रेशर की बीमारी या अनिद्रा या डायबिटीज की है, अगर नियमित रूप से दिन में 3 बार एक सिंपल साधारण की प्रक्रिया, श्वास थोड़ी सी कपालभाती और श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया ब्रेथ अवेयरनेस पर जाएंगे तो अपने आप शारीरिक मानसिक भावनात्मक आध्यात्मिक आदि व्याधि उपाधियों से मुक्ति मिलती है। और मेरे ख्याल समय हो रहा है तो मैं इसी समय आप सबका दोनों हाथ करबद्ध से अभिनंदन करती हूँ। हास्य योग में करती हूँ। ओम अहम। हाँ भाई सब हास्य योग ले ले दोनों। हाँ ले ले लीजिए आप। आप करवा सकते हैं तो आप करवाइए। हाँ चलो करते हैं जोर से हाथ भर। फिर से एक बार रोते जा। अब अपने सामने कोई हो तो उसके सामने कितना अच्छा काम किया। हीमोग्लोबिन बढ़ता है तो आपकी रक्त शुद्धता ही बढ़ती है। इसलिए कभी भी अपना मुंह फूले हुए रोते हुए किसी के सामने नहीं जाना है। हंसता हुआ नूरानी चेहरा बहुत अच्छा लगता है। ऑलवेज स्माइल स्माइल एंड स्माइल। ओम आराम। हाँ भाई अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हाँ ठीक है। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर लिया आज। और हर बार जो भी आपका क्लास रहता है एक नया कुछ ना कुछ सीखने को मिलता ही है। और बहुत सुंदर लिया, बहुत अच्छा। और जो सो के आलसीपन कैसे निकाला जाता है इसके बारे में जो योगाभ्यास किया बहुत सुंदर, बहुत सुंदर लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आज मैंने बहुत ही सिंपल लिया है क्योंकि कि हम किसी भी अवस्था में बैठे हो, कोई भी हमारी उम्र हो, तो हम हमारे शरीर को स्वस्थ मस्त व्यस्त रखे इसके लिए थोड़ा सा सुचारू रूप में थोड़ी सी शॉर्ट समय में पूरा किया है। थैंक यू वेरी मच सुचिता जी। और आगे किसी को कुछ पूछना है पूछ सकते हैं। मेरे साथ में हैदराबाद से बसंत माला बेन साथ जुड़ी है, प्रतिभा बेन उज्जैन से जुड़ी है, काफी लोग मुंबई के बाहर से जुड़े हैं। सर आप उनको अनम्यूट करके पूछ सकते हो। डॉक्टर अनिता जी ने अपने आपको अनम्यूट किया। अनिता जी बोलिए। जय जिनेन्द्र। जय निरंजन जी। बहुत अच्छा लगा, हास्य योग से बहुत फ्रेश लगा, बहुत मस्त। ओ माय गॉड। मुक्ति के लिए सबसे बढ़िया है हास्य योग, इसे करते रहना चाहिए।
रोज सुबह अगर हम हास्य योग करते हैं तो हमारा पूरा शरीर हमारा चार्ज हो जाता है, बैटरी चार्ज हो जाती है हमारी, तो हास्य योग नियमित करें। हास्य योग में बहुत सारे प्रयोग है, हम फिर कभी दोबारा मौका मिलेंगे तो और नए प्रयोग के साथ में हास्य योग में जुड़ेंगे आपके साथ में। तो आपका दिन शुभमय हो, मंगलमय हो।